हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा जो ईयर श्रृंखला में आज हम आपको बताते हैं कि परफोरेशन इन ड्रम, जो कान में जो पर्दा होता है इसमें छेद हो जाता है तो उसको मेडिकल भाषा में परफोरेशन इन ड्रम हो जाता है क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, क्या प्रिवेंशन होता है और कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए, इसके बारे में मैं वीडियो में आपको बताता हूँ, ये वीडियो में आपको जानकारी देता हूँ। तो मेरा वीडियो शुरुआत से लेके एंड तक जरूर देखना। मित्रों, हमारा जो कान की रचना होती है इसमें तीन पार्ट होता है, जो एक्सटर्नल पार्ट जो हम बाहर से दिखते हैं, जो मिडल पार्ट होता है ये जो कैविटी होता है इसके ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, और जो एंड पार्ट होता है ये इसके बीच में एक पर्दा होता है, पर्दे के पीछे छोटे छोटे तीन बोन्स होते हैं। जैसे हम बोलते हैं तो हमारा जो वॉइस होता है ये पर्दा में धीरे कैविटी में होके ये प्रेशर करता है, और प्रेशर के अनुसार जो हम बोलते हैं वो एनालिसिस करके हमारा ये ब्रेन को संदेशा पहुंचता है, और ये इसका सामने हम प्रत्युत्तर मुँह से देते हैं, ऐसे तरह हमारा कम्युनिकेशन बनता है। पर कई कारणों सर ये जो पर्दा में छेद हो जाता है तो छेद होने का कारण से धीरे धीरे इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है, बहरापन आ जाना या कान में आपको टीनाइटस हो जाना, आवाज़ आना, यही कॉम्प्लिकेशन रहता है, या ओटोरिया हो जाने का होता है, और ये सो मैनी रीज़न इसके बन सकता है। तो मित्रों, ऐसा क्या रीज़न हो सकता है? तो सबसे पहले जो रीज़न है हमारा जो क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाए, कान में जो रस्सी आती है वो स्टेफाइलोको बैक्टीरिया हो, सर्दी हो या जुखाम क्रॉनिक हो जाता है, तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म ओटाइटिस मीडिया रहने की संभावना रहती है। सेकंड थिंग, कान में जो पानी जाता है और जो लोग स्विमर होते हैं ये कंटिन्यू स्विमर करते हैं और कान में पानी जाता है, बरोबर कान साफ नहीं होता है, तो लॉन्ग टर्म इसमें जो पर्दा होता है, सेप्टम है हमारा, ईयर सेप्टम में इन्फेक्शन होने के कारण भी इसमें लॉन्ग टर्म स्टेफाइलोकोक बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है, और इससे भी हमको ईयर ड्रम, मिडल ईयर में ईयर ड्रम परफोरेशन होने की संभावना रहती है। कई बार इंजरी हो जाता है, कई बार हमको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या हमारा स्कल में इंजरी हो तो इसके कारण भी परफोरेशन ऑफ ड्रम रहने की संभावना रहती है। मित्रों, कई बार हमारा जो छोटे बच्चे होते हैं ये फीडिंग करते हैं तो फीडिंग, माँ का जो फीडिंग होता है ये कान में चला जाता है, प्रॉपर ठीक नहीं करते तो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन रहता है, इसके जरिए भी परफोरेशन ऑफ ड्रम होने की संभावना रहती है। कई बार मित्रों जो साइनस होता है, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम रहता है बच्चों में और बड़े लोगों में, तो भी कान की जो हड्डी में सड़नापन आ जाता है, तो इसके जरिए भी हमको ये ओटाइटिस मीडिया में जो हमारा परफोरेशन ड्रम की जो प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। कई बार मिडल ईयर में जो सिस्ट बनता है या पोस्ट में सिस्ट बनता है इसके जरिए भी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। कई बार ट्यूबरक्लोसिस का ग्रोथ कानों में होता है तो भी इसके जरिए भी ओटाइटिस मीडिया का प्रॉब्लम रहता है। तो इसका क्या साइन एंड सिम्टम रहता है? तो इसमें से कान में रस्सी निकलता है, कई बार वाइट डिस्चार्ज होता है, कई बार इसमें येलो ग्रीनिश प्रूलेंट डिस्चार्ज होता है, कई बार स्मेल होता है, इरिटेशंस होता है, दर्दी को पेन होता है और शूटिंग पेन होता है, दर्दी को हियरिंग लॉस का भी प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, और कई बार तो दर्दी को ओटाइटिस मीडिया में टीनाइटस मीन्स कान में घंटी बजना या इकोइंग साउंड आना या कोई समुद्र का पानी का गशिंग वॉइस आए या कोई झांझर का आवाज़ आए, ऐसे कंटिन्यूस कानों में यही प्रॉब्लम रहता है, इसके जरिए दर्दी को मिनरल डिजीज़ में वर्टिगो भी रहने का संभावना रहती है, इसे ब्लड प्रेशर का भी अप डाउन होने की संभावना रहती है। तो ये जो मोटा मोटी कॉज मैंने आपको बताया और इसका साइन एंड सिम्टम भी आपको बताया, और इसका कैसे डायग्नोसिस करते हैं, तो इसको एक्सरे निकालते हैं, ऑडिटरी जो ईएनटी सर्जन होता है तो कान का ईयरिंग टेस्ट करते हैं और इसका एमआरआई भी करते हैं, इसी तरह जो कान में जो परफोरेशंस होता है तुरंत मालूम पड़ जाता है एमआरआई से कि भाई, और एक्सरे करने से भी स्कल का एक्सरे करते हैं तो इसमें सारा जो प्रॉब्लम्स होता है ये मालूम हो जाता है और इसी तरह डायग्नोसिस करते हैं। मित्रों, इसमें आपको आप होम मेडिसिन कैसे करते हैं? तो होम मेडिसिन जो आपको पेन होता है तो आप सॉल्ट की पोटली बना के कान के आजू बाजू में करोगे तो कान में जो भी सूजन आता है ये सबसाइड करेगा। सेकंड थिंग, तल का तेल लो
40 ml, इसमें 5 कली लहसुन डालो, इसमें 10 ग्राम 5 ग्राम जितना जितना अजमोद डालिए और सबको घिस के इसमें उसको बॉईल करने का है। बॉईल करने के बाद ठंडा हो जाए, कपड़े से उसको फिल्टर करके दो दो ड्रॉप वो कान में डालिए, इससे भी आपको कान में राहत हो जाएगा। और छोटा ड्रम हो जाता है तो वहीं से इन्फेक्शन हट जाता है, तो आपको ये परफोरेशन ऑफ ड्रम की संभावना नहीं रहेगा। मित्रों, इसमें होम्योपैथिक में इज अ मास्टर ब्लास्टर मेडिसिन। आप जब भी होम्योपैथिक के शरण में जाते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कान का कोई ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा। सपोज़ आपने कोई ऑपरेशन कर दिया हो या आपको डायग्नोसिस कर दिया हो कि आपके जो कान में छेद है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी होम्योपैथ के पास जाके, जो एक्सपीरियंस होम्योपैथ है, कोई MD किया हुआ हो उसके होम्योपैथ के पास जाके आप धीरज से आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, तो धीरे 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 आपका जो कान में आवाज़ आता है, कान में परफोरेशन हो या कान में मवाद आता है, वैक्स आता है, तो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा और आपका कान का जो प्रॉब्लम होता है सॉल्व हो जाएगा। तो इससे पहले सबसे पहले जो दवा है सिलिशिया, आपको सिलिशिया 6x पोटेंसी में लेने का है। सिलिशिया में इतना पावरफुल होता है कि जो कान के ऊपर जो स्टेफेलोकोकी बैक्टीरिया होता है वो क्रॉनिक लॉन्ग टाइम से जमा होता है, इसे जरिए जो कान का जो थिकनेस है और कान में छोटे छोटे से छेद पड़ जाते हैं, हमारे को सुनाई में तकलीफ पड़ता है, तो सिलिशिया 6x पोटेंसी में लेना चाहिए। कान में आवाज़ आता है, मवाद आता है और कान में बहरापन होता है, तो इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। सेकंड नंबर की दवा है चिली पोडियम। ये चिली पोडियम दवा है, आपको 30 पोटेंसी में लेने का है। यंग एज में आपको बहरापन हो, टिनाइटस हो, आपको वर्टिगो हो, चक्कर आता है, कान में सुनने में तकलीफ होता है, पर्टिकुलर ह्यूमन वॉइस ये बराबर नहीं सुन सकता है, और कोई आदमी उसके सामने आया हो या 3-4 फुट दूर हो तो ये समझ सकता है, बाद में अनुमान करता है, ऐसे यंग एज में जो प्रॉब्लम्स होता है, तो इसको चिली पोडियम 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए, और लॉन्ग टर्म 2 से 3 महीना चलाने से यंगस्टर में जो परफोरेशन और ड्रम हो, ओटाइटिस मीडिया हो, तो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। थर्ड नंबर की दवा है हेपारसल, जिसमें कान में बहुत ही मवाद चलता है, लॉन्ग टर्म से चलता है, बच्चे जब भी यंग ओल्ड उम्र के होते हैं तब चलता है, 10-15 साल की हिस्ट्री होता है, और धीरे 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 उन्होंने 2-3 ऑपरेशन कर दिया हो या कान में से रसी बंदी नहीं होता है, ऐसे केस में आपको हेपारसल दवा लेना चाहिए। हेपारसल आपको 1 mg पोटेंसी लेना चाहिए, हफ्ते में एक बार लेना चाहिए और रिपीट करना चाहिए 6 मंथ तक, तो कान में कोई भी इन्फेक्शन होता धीरे 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 हेपारसल दवा उसको इवोकेट कर देता है और कान हमारा नॉर्मल कर देता है। इसका जो नर्वाइन सिस्टम को बैलेंस करता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को बैलेंस करता है, और हमारा कान फिर से हेल्दी बन जाता है, और आपको सुनाई देगा तो आपको लगेगा नहीं, मेरे को नई लाइफ हो गया है, एक छोटे कान की बीमारी से दर्दी को स्ट्रेस रहता है तो इसमें से बाहर निकल सकता है। मित्रों, आगे की जो दवा है मर्क कौर नाम की दवा है, जिन बच्चों को या बड़े लोगों को गले में इन्फेक्शन हो या टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हो, लेरेंजाइटिस हो, फारेंजाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस हो, एडिनोइड हो, इसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन कान में लग जाता हो और एक कान में सुनाई नहीं देता है, दूसरे कान में भी उसको प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे तरह एक कान में से दूसरे कान में जब गया हो इन्फेक्शन और लॉन्ग टर्म रहता है और कान में रसी आता है, स्मेल आता है, तो वही ये दर्दियों को मर्क्सोल आपको लेना चाहिए। मर्क्सोल होम्योपैथिक की जो बेस मेडिसिन, तो आपको 30 पोटेंसी मर्क्सोल लेना चाहिए और 2 से 3 महीना लेने से कान में का जो भी प्रॉब्लम्स हो, ओटाइटिस मीडिया का हो या परफोरेशन टर्म का हो, तो सब कुछ सबसाइड कर सकता है। मित्रों, म्यूलर ऑयल नाम का एक होम्योपैथिक ड्रॉप्स है, मार्केट में मिलता है, आपको कोई ड्रॉप डालना का होता है तो आप म्यूलर ऑयल 2-2 ड्रॉप डालने से आपका कान में जो भी सिग्नता आएगी कान ड्राई नहीं हो जाएगा और आपको सुनाई में ठीक रहेगा। मित्रों, होम्योपैथिक की जब दवा लो तो थोड़ा प्रिवेंशन भी करो, कान में जब भी आवाज़ आता है और तो कान साफ करो प्रॉपरली, कान में जो मैंने आगे ड्रॉप डाला है ऐसे प्रिवेंशन के लिए भी ड्रॉप है, ये भी डालिए। जब भी आप कोई हाई नोट से मोबाइल सुनते हो और ईयर स्प्रिंग डालते हैं तो उसका जो लॉड नेचर कम रखिए और थोड़ा टाइम ही आप जब भी ज़रूरत हो तो ही यूज़ कीजिए। कान हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जब भी कान में नहीं सुनाई देता है तब हमारा ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन का वैल्यू समझ में आता है, तो बी केयरफुल योर ईयर और ईयर डिजीज़। मित्रों, मैंने ये वीडियो में आपको बताया हुआ है ईयर के बारे में, मैंने 3-4 वीडियो आगे भी बनाया हुआ है, सबकी लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है,
तो आपको कान को बारे में और कान के रोगों के बारे में, कान के रोगों की होम्योपैथिक का उपचार के बारे में या कान की होम मेडिसिन के बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो आपको ज़रूर जाके वीडियो देखना चाहिए और अंत तक देखना चाहिए। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।